बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में लिबास की बड़ी अहमियत है और प्रोफेशनल लाइफ अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल अपीयरेंस में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपका लिबास है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ड्रेस फॉर सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ। आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत स्पेशल है। वो पाकिस्तान के पहले इमेज कंसल्टेंट हैं और अगर मैं उनका ज़्यादा आपसे तारुफ करूँ तो हामिद सईद साहब, ही इज़ इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। सो हामिद सईद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज अपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ पाए। आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाह रहे हैं, चूँकि आपका 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इमेज कंसल्टेंसी में। सो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका इस फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया आपको? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदनान फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। पहले ख्याल कैसे आया, एक्चुअली तो मैं UAT का पढ़ा हुआ इंजीनियर हूँ, तो कभी सोचा ही नहीं था कि यू नो आई वुड गेट इनटू दिस प्रोफेशन और इमेज कंसल्टेशन और फैशन डिज़ाइन में कभी। साइंस और मैथ्स का स्टूडेंट रहा थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन एक्चुअली तलाश थी पैशन की कि यार मेरी लाइफ में पैशन क्या है, व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माई लाइफ, यू नो हाउ आई कैन ऐड वैल्यू। तो वो तलाश करता करता मैं न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क जाके MBA किया पहले, तो थोड़ा सा मैंने टीचिंग में भी शौक़ था वो पूरा किया, एक दो और शौक़ थे बिजनेस वाइज वो पूरे किए, लेकिन जो सर्च थी वो कंटिन्यू रही कि सर्च क्या है, मतलब वेयर, वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। एंड देन आई लैंडेड एट FIT, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 5th largest यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में फैशन की। एंड व्हेन आई गॉट देयर आई टेल यू समथिंग, आई रियलाइज दिस माई कॉलिंग, दिस व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, और वहीं से मेरा ये सारा सफ़र का आगाज़ हुआ। और उसके बाद यू नो आई स्पेंड लाइक 20 some years एंड नेवर लुक बैक। तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है क्रेडेंशियल्स का वो बड़ा लीथल है। इंजीनियरिंग की डिग्री, लॉजिक, यू नो दैट्स व्हाट आई लर्न, MBA हाउ द बिजनेस वर्ल्ड ऑपरेट्स, और निटी-ग्रिटी ऑफ फैशन एंड इमेज कंसल्टेशन, हाउ डज दैट वर्क। ये तीन चीज़ें हैं, जब इसका एक कॉम्बिनेशन है तो यू नो आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी लाइक माई सेल्फ, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, दुनिया में या पाकिस्तान में मेरी तरह का बंदा इस क्रेडेंशियल का नहीं मिलेगा। And I tell you something, with that I have used it and I must have dressed more than 50,000 men and women in my lifetime, professional men and women. Aur mera passion hai ki how to enhance professional image of professional men and women. Right sir. Sir, iske sath sath yahan se hi batayega ki professional life mein dress ki kya importance hai? ड्रेस की क्या इम्पोर्टेंट है, इंतहाई अहम है। मैं उसको अपनी हमेशा प्रेजेंटेशन का आगाज़ इससे कहता हूँ, एक सेंटेंस है जो बोलता हूँ वो कि मैं ये कहता हूँ कि यू नो व्हेन यू एंटर इनटू अ रूम, यू नो हूएवर यू कैन टॉक टू, इट कुड बी एक बंदा हो सकता है, 100 बंदे हो सकते हैं, आप स्पीकर हो सकते हैं, बिफोर यू से सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग। उसका मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि नॉन वर्बली हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं और लिबास की अहमियत क्या है। तो एज सून एज़ वी एंटर, हमने मुँह से एक लफ्ज़ भी बोला, तो सबसे पहली चीज़ हम अपने बारे में ये बताते हैं कि हम किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब इस पर फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं करते कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन रियलिटी बेस्ड हम करते हैं इसे, टू वे स्ट्रीट, हम उनके जिसको देख रहे हैं वो उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो हमारे बारे में सोच रहा होता है। तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल में हम सोचते हैं कि अच्छा ये जो बंदा मिल रहा है हमें, ये एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करता है, मिडिल से बिलोंग करता है, लोअर मिडिल से बिलोंग करता है, किसी विलेज से बिलोंग करता है, फॉर दैट मैटर किसी पोअर एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। अच्छा, हम ये अपना सारा अपने लिबास से, अपनी अपीयरेंस से, अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से सब कुछ बता रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अहम बात ये नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, अहम बात ये है कि हम क्या वेल ग्रूम्ड लगते हैं कि नहीं लगते। तो अगर हम वेल ग्रूम लगते हैं तो लेट मी टेल यू दिस, आई मीन यू नो यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस। बल्कि मैं ऐड करूंगा कि दुनिया में दो चीज़ें हैं जिसे मैं कहता हूँ कि इक्वलाइजर है लाइफ में, वेयर एवर यू कैन गो फ्रॉम हियर टू अमेरिका, यू कैन गो टू यूरोप, यू कैन गो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दो चीज़ें जो आपको स्टेटस दे सकती हैं, आपको पोजिशन दे सकती हैं, वो एक है तालीम और दूसरा है लिबास। सो इफ़ यू हैव दीज टू थिंग्स, यू नो यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस, तो पहली चीज़ है। दूसरी बात, जो ही आप किसी बंदे बंदी से मिलते हैं, जो भी है, नो डज मैटर हु इज, अगेन एक लफ्ज़ भी मुझसे नहीं बोला, तो वो आप अपना जो है अपने अपीयरेंस से, अपने ऑरा से, पर्सनैलिटी से बताते हैं कि आप कितने कामयाब हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं?
उसका अपोजिट क्या है? उसका अपोजिट नाकाम है। बिल्कुल। तो एक बंदा कामयाब नहीं लगता, तो आई मीन यू नो ही और शी इज पुटिंग देयर फुट फॉरवर्ड रॉन्ग है, यू नो आई मीन लाइक यू नो देयर नॉट गोना मेक दैट इंप्रेशन। ये दूसरी बात। तीसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। हम नोट करते हैं, सुने सब बड़ी वॉक से हम कहते हैं यार इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि आप किसी ऐसे बंदे को हायर करेंगे जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है? आप किसी ऐसे बंदे के साथ बिजनेस डील करेंगे जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? इसी तरह आप इवन सोशली, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग आउट एंड यू वांट टू मीट पीपल, आप उनसे ग्रेविटेट करेंगे यार जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है। सो कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अगेन दो चीज़ों से आता है। एक है आपके जो नॉलेज पे ग्रिप हो, आपके कॉन्टेंट पे ग्रिप हो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और दूसरी रीज़न जो है वो यह है कि आपकी ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट हो, प्रॉपर टू योर प्रोफेशन पोजिशन। तो ये है तीसरी बात। चौथी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आला है, नो ब्रेनर है। आप एजुकेटेड हैं तो क्या आप एजुकेटेड लगते हैं? आपने देखा कितनी बार कोई बंदा बात कर रहा होता है बड़ी यू नो मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट और बड़ी कोई डीप बात कर रहा होता है, लेकिन बंदा देखता है कहता है यार बात तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है लेकिन लगता नहीं है वो। तो क्या होता है? उसकी क्रेडिबिलिटी मजरूह हो जाती है। ऐसी बात है कि नहीं? बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसके बाद चंद चीज़ें और हैं जो कि आदमी को लगना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल है तो कॉम्पिटेंट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आपको नॉलेजेबल है तो नॉलेजेबल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आखिरी दो बातें जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो अपीयरेंस में, अपीयरेंस के जरिए से और सारा कुछ, वो ये है कि आप क्या ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। सही, ये कैसे? अगर आप ट्रस्ट, मैं बताऊंगा कैसे, ट्रस्ट वर्दी और क्रेडिबल नहीं लगते तो फिर गेम इज ओवर, गेम इज टोटली ओवर। आप कुछ भी हो, आपने चाहे $1,000 का सूट पहना हुआ है, आपने चाहे यू नो आई मीन मोस्ट एक्सपेंसिव आपने ड्रेसिंग की है, लेकिन आप ट्रस्ट वर्दी और क्रेडिबल नहीं लग रहे। ऐसे कलर्स पहने हुए हैं जो बताऊंगा कि ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबल कलर्स कौन से होते हैं। बाय द वे इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहली बात तो शर्ट का कलर की बात कर लें। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने व्हाइट शर्ट पहनी है, मैंने भी व्हाइट शर्ट पहनी है, ठीक है, आई एम ग्लैड टू सी दैट यू आर वेयरिंग व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट जो है ना वो एक्चुअली इट शोज कि यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर क्रेडिबल। कलर की बात कर रहा हूँ। अब देखें कैरेक्टर आपका, तो आपका कैरेक्टर है ना कि आपके अंदर इंटेग्रिटी है कि नहीं है, डू यू कम थ्रू और नॉट, आप अपने प्रोमिस कीप करते हैं कि नहीं करते, दैट्स अनदर यू नो एरिया ऑफ कन्वर्सेशन। लेकिन जो कलर के साथ आप बता सकते हैं अगले बंदे को कि हमें क्रेडिबल पर्सन, हमें ट्रस्टवर्दी पर्सन, वो व्हाइट शर्ट है। आप व्हाइट शर्ट से ये भी बताते हैं कि आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आप रिफाइंड हैं, आप पॉलिश्ड हैं। आप व्हाइट शर्ट से ये भी बता रहे होते हैं कि आप प्योर हैं, ऑनेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर व्हाइट था, तो कुड बी गो रॉन्ग। तो इसमें टिप ये है कि पहला कलर जो है ना वो व्हाइट। अच्छा, अब आप क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट और कैसे लेके आ सकते हैं? अब हम आ जाते हैं आउटर गारमेंट के ऊपर। आपका सूट है, ठीक है, तो अब सूट के कौन से कलर्स होने चाहिए? तो डार्कर कलर्स प्रोजेक्ट अथॉरिटी एंड डार्कर कलर्स ऑल्सो प्रोजेक्ट रिलायबिलिटी। अगर आप लाइट कलर पहन के आ जाते हैं तो आप लाइट वेट लगते हैं। वो कहते हैं ना हैवी वेट चैंपियन, लाइट वेट चैंपियन। सही, आप तो हैवी वेट चैंपियन है, आप क्यों लाइट वेट चैंपियन लगे? तो ये सारा कॉन्सेप्ट के या दिन में लाइट कलर पहनने चाहिए, रात को डार्क कलर पहनने चाहिए, ये भी बड़ा एंटीक्वेटेड जो है ना वो अपना मेथडोलॉजी है, अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। मेरे ख्याल ये आर्मी से चला डॉक्ट्रिन के दिन में आप रेड लाइट कपड़े पहने, रात को डार्क कपड़े पहने, सूट पहने। तो मेरा मानना ये, मैं ये अक्सर पूछता हूँ कि यार सारी मीटिंग्स कब होती हैं? डे टाइम में होती है। तो डे टाइम में आपने जो है वो डार्कर कलर्स अपनी आपकी शूटिंग में आ गई, और लाइट कलर जो है वो आ गई आपकी शर्टिंग में, और ख़ासकर पर्टिकुलरली व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट के बारे में एक और बात कहूँगा, जब आपने फर्स्ट टाइम किसी से मिलना है, फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी से बिजनेस डील करने जा रहे हैं, यू आर थिंकिंग बाद यार इतनी शर्ट्स हैं कौन सी शर्ट पहनो, ऑलवेज गो फॉर द व्हाइट शर्ट, दैट्स योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद व्हाइट शर्ट। तो ये वो कलर्स की कॉन्टेशन है जिससे कि आदमी ट्रस्टवर्दी लग सकता है, क्रेडिबल लग सकता है, सॉलिड लग सकता है, रिलायबल लग सकता है। सही सर, यहाँ से जो आपने बातें की है मेरे माइंड में ये आ रहा था कि इससे लग रहा है कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग शायद कोई साइंस है और इसके भी कोई फार्मूलाज हो सकते हैं, इस पर हम बताइए क्या ये साइंस है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल साइंस है, और मैंने तो इसको साइंस बना दिया हुआ, और यू नो क्योंकि इंजीनियर था तो इंजीनियरिंग वो मेरे अंदर थी, लॉजिक थी। साइंस जो है इस तरह से है कि देखें, अब आप किसी को एक चीज़ तो नहीं बता सकते ना कि अच्छा यार ये शर्ट पहन लेना, ये टाई पहन लेना, ये सूट पहन लेना, आई मीन यू नो ही और शी हैज़ ए फुल लाइफस्टाइल। तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला मैंने डेवलप किया है जिसका नाम है 5 P's ऑफ ड्रेसिंग, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें पहला पी जो है ना, वो लोग पूछते हैं यार मेरे को कलर कौन सा अच्छा लगेगा, ये उसका पहला उसका यू नो पिलर समझ लीजिए, पहला पी। तो इसको कहते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब है आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है,
इसके मुताबिक अगर आपकी कलरेशन आपने पहनी हुई है तो दैट विल लुक गुड। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है ना। गोरे गोरे हैं, काले काले हैं, हम इन बिटवीन हैं, चाइनीज चाइनीज हैं, यू नो जापनीज जापनीज हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप ब्राइट कलर पहनेंगे विच लुक्स गुड ऑन योर स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर, तो यू विल लुक गुड। अच्छा, लुक गुड के भी देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। एक्चुअली डिग डीपर, जब आप अच्छे लगते हैं तो पता है क्या होता है, ये उन कलर्स की बात हो रही जो आपके फेस के करीब है, यू नो शर्ट कलर हो गया आपकी, जैकेट एंड टाइज वगैरह ऑल दैट, अगर आप विमेन है तो हिजाब वगैरह, दुपट्टा वगैरह। तो इफ़ यू आर वेयरिंग द राइट कलर, यू नो व्हाट हैपेंस, योर स्किन ग्लोस, आपकी स्किन ग्लो करेगी। और दूसरी बात है आपकी आइज जो है ना, दे विल लुक मोर एनर्जेटिक एंड दे विल लुक मोर यू नो वाइब्रेंट। इसी तरह आपकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी आएगी, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली एस्थेटिकली तो आप अच्छे लगेंगे, लेकिन आप एनर्जेटिकली भी अच्छे लगेंगे। सो दिस मीन्स कि आप जिस बंदे से मिलेंगे ना, वो कहेगा यार यू लुक ग्रेट। और बाय द वे आपको याद होगा, कुछ ना कुछ कमेंट्स मिल जाते हैं कभी कभी, हम अच्छे लग रहे होते हैं तो यू नो पीपल से कि आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, नाइस सूट। खैर सूट की बात तो अलग है, लोग जब कहते हैं ना आप अच्छे लग रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसे डाइसेक्ट करें, यू गो बैक देयर, यू आर वेयरिंग द राइट कलर। अच्छा, आप वही होते हैं, बंदा भी वही होता है, एक हफ्ते के बाद कहता है यार क्या बात है, बड़े बीमार से लग रहे हो, बड़े उदास उदास से लग रहे हो, एक्चुअली वेयरिंग द रॉन्ग कलर्स। सो दैट्स द कॉन्टेशन ऑफ कलर। कलर इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं ये कहूँगा अगर आपका कलर ठीक नहीं है तो ऑल दी अदर फोर पीस आर मूट, आई मीन यू नो आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। सही। दूसरा, लोग पूछते हैं कि मेरे को फैशन कौन सा मैं अडॉप्ट करूँ या कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करूँ या मुझे क्या ट्रेंडी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा फैशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप सारे का सारा फैशन अपने को इम्पोज मत कर लीजिए, ठीक है। और या यू शुड लुक करंट, यू शुड लुक कंटेम्प्रेरी, यू शुड लुक मॉडर्न, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट है ना। आप कह रहे हैं जी हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, ऑल दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन आपने कपड़े ऐसे पहने हुए जो डायनासोर एज के हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना, यू नो वो डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा, डिस्कनेक्ट क्रिएट होगा, यानी आपकी जो लुक है वो आपकी बातों के साथ मैच नहीं करेगी। तो उसमें जो है दूसरी बात यह है कि अच्छा अगर फैशन को फिर टोटली फॉलो नहीं करना तो किसको फॉलो करना है, वो है फिजीक, आपने अपनी बॉडी को देखना है। तो दूसरा फार्मूला का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि आपने देखना है कि आप शॉर्ट हैं, आप टॉल हैं, आप हैवी हैं, आप क्या हैं, आप टॉल एंड थिन हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप टॉल हैं तो हैवी हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो यू आर बिग, तो उसमें अगर आप स्लिम फिट जो आजकल चल रहा है वो पहनेंगे तो क्या होगा, आपकी टमी और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी, आपकी शोल्डर और बड़े हो जाएंगे, हिप्स और बड़े हो जाएंगे, सो दैट्स नॉट द राइट फिट फॉर यू। इस तरह अगर आपका शॉर्ट कद है जिसे कहते हैं 5'6" एंड अंडर, तो अगर आपने लंबी जैकेट पहन ली है या अगर आपने पहन जो है बहुत ज़्यादा लंबी पहन ली, कुछ लोग समझते हैं कि वो छोटे कद के होते हैं, समझते हैं कि लंबी चीज़ पहनने से वो लंबे हो जाएंगे, एक्चुअली दे शॉर्टन देमसेल्फ इवन मोर। तो उसमें ये एक शॉर्ट आदमी है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, उसके लिए ये रूल्स हैं कि इम्पेकेबल फिटिंग होनी चाहिए उसकी, ये दैट्स द टिप, आप यू हैव जीरो चांस टू मेक एन एरर देयर। अच्छा, फिर तीसरा है अगर आप टॉल एंड थिन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आप टॉल एंड थिन है, बहुत ही थिन है, पेंसिल की तरह थिन है, तो अगर आप बिल्कुल स्लिम फिट पहन लेंगे तो आप तो और पतले लगेंगे, तो उसमें आपको सब्सटेंशियल फैब्रिक चाहिए। सो दैट्स द सेकंड टिप दैट आई यू नो फॉर्मूले का जो सेकंड पार्ट है कि आपने फिजिक को फॉलो करना है। तीसरा यह है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को फॉलो करना है। दैट्स कहते हैं ना कपड़े पर्सनैलिटी पर सूट करने चाहिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करते तो देन अगेन दैट्स ए ह्यूज मिस्टेक। तो वो कैसे है, अच्छा आप देखें पर्सनैलिटी तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो वो तो बहुत टाइप की पर्सनैलिटी बताते हैं, लेकिन फॉर माय पर्पस इमेज कंसल्टेशन मैंने इसको ब्रेक डाउन करके सिर्फ दो टाइप की पर्सनैलिटी थी। एक है लीडर टाइप, अगर आप लीडर टाइप हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक है, अगर आप फॉलोअर हैं तो फिर आपकी अनदर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। अच्छा अब यू नो 95% लोग फॉलोअर्स हैं दुनिया में, विच इज़ फाइन, यू नो दे आर कैरिंग आउट एक्सिक्यूटिंग यू नो मेजर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। अगर आप लीडर हैं तो इसका मतलब यह है कि आप थोड़े से ज़्यादा स्टाइलिश लग सकते हैं, अगर आप लीडर हैं थोड़े से आप कलर्स के साथ मोर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यू नो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप यू नो योर फॉलोअर टाइप, तो उसमें यह है कि फिर आप थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है ना वो आपके लिए बेहतर होगी। उसमें पंच लाइन ये है कि मैन और वुमेन यू नो इज़ नॉट नोन बाई यू नो क्लोथिंग, आई मीन क्लोदिंग डज नॉट मेक द मैन और वुमन, मैन और वुमन यू नो कैरीज द क्लोदिंग। सो इसमें कॉन्सेप्ट ये कि आपने कैरी करना है। चौथी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोजिशन क्या है, दैट्स द फोर्थ पी। अच्छा पोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखें आप कुछ ना कुछ तो करते हैं, आपको कुछ ना कुछ टाइटल है, तो टाइटल में क्या है, आप सी लेवल के बंदे हैं, आप टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं, आप मिडल लेवल के हैं, आप लोअर मिडल के हैं, कहाँ पे हैं।
तो अगर आप सी लेवल के, तो सी लेवल के बंदे लगने चाहिए आपको, अगर टॉप मैनेजमेंट के हैं तो टॉप मैनेजमेंट के लगने चाहिए। अगर आपने जस्ट स्टार्टेड आउट योर जॉब, तो आप अगर सी लेवल के कपड़े पहन के आ जाते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क, आपकी ओवर ड्रेसिंग हो जाएगी। तो आपने अपनी पोजीशन का ख्याल रखना है। चौथी बात यह, और पाँचवीं जो है जिस पर मैंने यू नो आई स्पेंड 20 some years, कि प्रोफेशनल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, हर प्रोफेशन के लिए जिसे कहते हैं ड्रेस कोड क्या है। यहाँ ड्रेस कोड नहीं है, वहाँ भी ड्रेस कोड है, यू नो एक्सप्लिसिट नहीं है लेकिन इम्प्लिसिट है। तो अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर लगने चाहिए, जज हैं तो जज लगे, लिस्ट गोज ऑन, एंकर हैं तो एंकर लगने चाहिए, होस्ट हैं तो होस्ट लगने चाहिए। तो ये वो 5 5 P's हैं जिनको मैं कहता हूँ कि अगर आप अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्रीहेंड करें, अगर आप इंटरनलाइज कर लें, इसको पर्सनलाइज कर लें, यू कैन नेवर मेक ए मिस्टेक। तो अगर आप जैसे मैं उसको रिपीट करता हूँ ताकि यू कैन गेट इट, जब आप शॉपिंग करने जाएं सबसे पहले देखें कलर आपके ऊपर अच्छा लगता है कि नहीं लगता। बिल्कुल। तो अगर 2 3 colors हैं ऐसे ही आपके देख लें, आपको पता लग जाएगा कौन से कलर में आप यू नो यू लुक गुड। दूसरी बात है ट्राई करें कपड़ों को, पता लग जाएगा फिजिक पे फिट होता है कि नहीं होता। कलर राइट नहीं है, फिजिक पे फिट नहीं होता, फॉरगेट अबाउट दिस, व्हाई यू वांट टू स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी ऑन समथिंग यू आर नॉट गोना लुक गुड एट। फिर आप तीसरी देखें कि आपकी पर्सनैलिटी पर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। चौथा देखें, यार मेरा तो ओहदा जो है, मैं तो GM हूँ, मैं तो सी लेवल का बंदा हूँ, यार ये शर्ट पहन के, ये टाई लगा के, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं एक क्लर्क हूँ। यू नो नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ क्लर्क, लेकिन आपने अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। और आखिरी बात यह है कि आप देखें कि जिस अपना प्रोफेशन में है वो क्या वो लगते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे, मेरे पास आते हैं कई लोग, कहते हैं जी, मैं कहता हूँ जी क्या करते हैं आप, जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ग्राफिक की समझ आती है, डिज़ाइनर की समझ नहीं आ रही, तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सही। तो ये है फॉर्मूला जिसे मैं कहता हूँ कि अगर आप अप्लाई करेंगे, आई कैन श्योर यू कैन नेवर मेक ए मिस्टेक। सर थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगु चल रही है हमारी हामिद सईद साहब से। यहाँ पे लेना है हमें एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम हामिद सईद साहब से बात करेंगे। इन्होंने बात किया मुख्तलिफ ड्रेसिंग टिप्स जो हमें दे रहे हैं कि उस वक्त हमें किन किन बातों का और ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली वुमेन की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, जो हमारे यूथ है उनकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ड्रेस फॉर सक्सेस, और हमारे साथ आज है हामिद सईद साहब, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। और आज हम इनसे बात कर रहे थे आपको प्रोफेशनली कैसा दिखना चाहिए। सर ये बताइएगा, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, आपने बात की थी पोजीशंस वगैरह की, कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनकी जो टाई है वो मैचिंग नहीं होती, बहुत डिफरेंट से कलर्स लगे होते हैं और टाई का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ येलोइश टाई होती है और कुछ में फूल बूटे और वो सारा लगे होते हैं, हालांकि वो बंदा नज़र आ रहा होता है कि वो किसी डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे है या GM लेवल पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो सर ये टाई कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा चाहिए, टाई, टाई को मैं सर उसका मिथ जो है ना वो डीमिथ करता हूँ, डीबंक करता हूँ। टाई जो है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ पावर टाइज होनी चाहिए। आप अगर टाई लगाते हैं तो आई का मतलब है यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पावर एंड सो दैट शुड एग्जूड पावर। 4 power ties हैं जिनको मैं बयान करता हूँ। पहली पावर टाई है प्लेन सॉलिड कलर की टाई। सॉलिड कलर में जितने शेड्स हैं, ब्लू के शेड्स ले लें, आप मैरून के शेड्स ले लें, ब्लू के शेड, ग्रेस के शेड ले लें, सारे नॉट वेरी लाउड कलर्स, दैट्स ए ब्यूटीफुल टाई। उसका वो कॉम्बिनेशन करना बड़ा आसान है, आप शर्ट के साथ, अपने सूटिंग के साथ, एंड यू लुक वेरी सोफिस्टिकेटेड, यू लुक ग्रेट। तो पहली टाई ये है। दूसरी टाइप की टाई जो है उसे कहते हैं पोल्का डॉट्स, यानी ग्राउंड डार्क ग्राउंड है बैकग्राउंड की, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हैं, आपने देखा होगा जैसे मैंने ये टेक्सचर्ड है, अच्छा, उसके ऊपर थोड़े वाइट डॉट्स होंगे, छोटे डॉट्स होंगे, अच्छा। या और कलर के भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं पोल्का डॉट, POLKA पोल्का डॉट्स, अगर आप गूगल अप करें तो यू विल गेट द पिक्चर्स। वो है बड़ी ब्रिटिश टाई, यू नो वेरी वेरी एरिस्टोक्रेटिक टाई। तो अगर आप स्टाइलिश भी लगाना चाहते हैं, प्रोफेशनल भी लगाना चाहते हैं, तो दैट्स एक्सेलेंट टाई। तीसरी टाई जो है जो मैंने पहनी है, ये है टेक्सचर टाई। टेक्सचर में थोड़ा सा जैसे कहते हैं सेल्फ, पाकिस्तान में सेल्फ कहते हैं, दूर से ऐसे लगती है सॉलिड है, लेकिन करीब आए थोड़ा सा टेक्स्ट है। में वो थोड़े थोड़े जो डॉट्स आप बता रहे हो नुमाया होकर नजर, वो नुमाया होकर नजर आते हैं, वाइट ना, नहीं नहीं नहीं, ये टेक्सचर तो सटल है, ये तो सटल है, ये तो प्री करीब आएंगे तो नजर आएगा। तो इसमें तो डॉट्स है ही नहीं ना, उसमें छोटे छोटे आपको राउंड डॉट्स नजर आएंगे। तो थर्ड टाई जिसे टेक्सचर टाई विच आई एम वेयरिंग, इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड टाई,
एंड आई टेल यू समथिंग, अगर आपने यू नो पॉलिश लगना है, रिफाइंड लगना है, सोफिस्टिकेटेड लगना है, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट टाई. ऑल्सो यू कैन सी दैट इट्स वेरी इजी टू कंबाइन, इसमें कोई ज़्यादा बंदे को मेहनत नहीं करनी पड़ती. चौथी टाई जो है जिसे कहते हैं रेप टाई, REP, जिसमें डायगोनल लाइंस होती हैं, आपने देखी होंगी, बड़ी टिपिकल टाई, इस बार 200 ईयर ओल्ड टाई एंड स्टिल मुख्तलिफ फोर्सेस के यूनिफॉर्म में. हाँ हाँ, वो देखी होंगे आपने, एग्जैक्टली वही है, वो सर चल रही है, इट्स बीन देयर फॉर लाइक 200 ईयर्स, और आज भी वो प्रोफेशनल टाई गिनी जाती है, और उसमें भी काफ़ी कलर्स होते हैं, सो इट्स ईजियर टू मैच विद वाइट शर्ट एंड डिफरेंट कलर शर्ट्स एंड सूट्स. ये चार टाइज के अलावा आपने कोई और टाई नहीं पहनी. आपने जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि आपने कोई फ्लावरली टाई नहीं पहननी, आपने कोई जिसे के ऊपर मोटिफ बना हुआ है, कोई जानवर बने हुए हैं, कोई रैकेट बॉल बने हुए हैं, कोई यू नो आई मीन बेसबॉल बैट बना हुआ है या बैट बने हुए हैं, यू नो कोई आपने ऐसी चीज़ नहीं पहनी. इसके अलावा आपने एब्स्ट्रैक्ट टाइज भी नहीं पहनी जिसके ऊपर कोई एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कोई ट्राइंगल बनी हुई है यार, यानी कि ना, तो ये चार डिफाइंड टाइज हैं. इफ़ यू हैव एनी अदर टाइज जिसे कहते हैं स्टेटमेंट टाइज, इसमें अक्सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लोग कहते हैं जी मैं लव टाइज लिए पहनता हूँ या स्टेटमेंट टाइज लिए पहनता हूँ कि दिस लाइक एन आइस ब्रेकर फॉर मी, मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं व्हाट ए नाइस टाई. तो उसमें पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी टाई की तारीफ कर रहा है तो वो कह रहा है कि टाई इज़ गुड यू आर नॉट गुड, ठीक है ना, पहली बात तो ये है. दूसरी बात है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो तो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, तो आपको एक होमोजीनियस, आपको एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी लुक होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, वेल पुट टुगेदर लुक होनी चाहिए. एंड आई थिंक आफ्टर दैट इज वॉट यू हैव टू से, फोकस आपके ऊपर होना चाहिए ना कि क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए. इसमें मैं कहूँगा कोई भी चीज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना होनी चाहिए. अच्छा, दो तीन चीज़ें आपने और फरमाई हैं इसमें कि टाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए. अच्छा, विड्थ ये मैं ये कहूँगा, मैंने कहा था कि आपको मॉडर्न लगना है, आपको यू नो अपडेटेड लगना है, आपको टेम्प्रेरी लगना है, तो विड्थ हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द यू नो एवरी 5-10 ईयर्स इट चेंजेस. आजकल जो विड्थ चल रही है वो 2.5 इंचेस, 2.75 इंच वो विड्थ है. आपने पहनी 2.75 है, मैंने 2.5 पहनी हुई है, सो दिस इज़ समवेयर यू नो दिस शुड गो. इसमें एक और रूल ऑफ थंब भी है, वो ये है कि लपेल का साइज़ क्या है. तो अगर लपेल का साइज़ बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली थिन टाई अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन लपेल का साइज़ आजकल वैसे नहीं बड़ा है, सो ऑब्वियसली सो यू नो इट्स नॉट यू नो आई वुड से ट्रेंडी और फैशनी नाउ डेज. लपेल साइज़ आजकल चल रहा है तकरीबन 2.5 इंचेस, 2.75, जैसे आपने पहना है, मैंने पहना हुआ है, दैट्स द राइट लपेल साइज़. इसे लपेल कहते हैं, पाकिस्तान में लपेल कहते हैं, एक्चुअल वर्ड इज़ लपेल. अच्छा, ये होगी उसके बारे में, आपकी विड्थ टाई के बारे में. अगर आपने वो स्ट्रिंग वाली बिल्कुल पतली सी टाई है, वो बड़ी बॉयज सी लगती है, प्रोफेशनल टाई नहीं लगती. सही. बाकी टाई की जो लेंथ है बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं ये कहूँगा कि टाई की लेंथ जो है वो आपका जहाँ बेल्ट बकल है वहाँ तक जानी चाहिए. उससे अगर नीचे चलेगी तो इट्स टू लॉन्ग, और अगर उससे ऊपर आ गई तो दैट्स टू शॉर्ट. एंड आई टेल यू समथिंग, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. बाकी नॉट्स के बारे में लोग पूछते हैं कि नॉट कैसी लगानी चाहिए, डबल नॉट लगानी चाहिए, सिंगल नॉट लगानी चाहिए. तो मेरा उसमें जो मेरी साइंस बताती है वो ये है कि इट हैज़ ए रिलेशनशिप विद कॉलर टाइप क्या है. सही. अगर कॉलर टाइप आपने लेट्स से वाइड स्प्रेड पहना हुआ है, जो जिसे कट हुए कॉलर कहते हैं, तो उसके लिए डबल नॉट ही लगेगी, तभी अच्छा लगेगा. अदरवाइज आपकी जो है ना साथ में सिंगल नॉट जो है ना, आई थिंक दैट विल डू इट. कॉलर शेप जो है, लॉट्स ऑफ पाकिस्तानीज डोंट नो दैट, बल्कि लॉट्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड डोंट नो दैट कि कॉलर शेप कैसा होना चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि कॉलर शेप जो है फेस शेप के कंपेटेबल होना चाहिए. जैसे मेरा ज़रा लॉन्गर फेस है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ब्रॉड जाके मैंने उसको बैलेंस कर दिया है. तो आज भी जब एंकर से मेरी बात हो रही थी, वो कहते अच्छा जी बताएं मेरे यू नो व्हाट कैन आई चेंज फॉर बेटर, तो मैंने कहा कॉलर शेप जो है ना उसकी आई थिंक ही कुड हैव मेड इट बेटर चॉइस. तो आपने जाना, अगर आप ब्रॉडर फेस हैं तो आपने ब्रॉड नहीं जाना, इसका मतलब आपका चेहरा और चौड़ा हो जाएगा. अगर आपका लंबा फेस है तो फिर आपने लंबे पॉइंट्स में चले गए, तो आपका विजुअली स्पीकिंग आपका चेहरा और लंबा हो जाएगा. तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए. सर एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें बताइएगा, कलर बताइएगा टाई का जो है, क्योंकि बहुत से हम कलर देखते हैं, अगर हम सिंगल कलर की बात, सॉरी जो आप बात करें ना स्ट्रेट टाई की, सिंपल जो है बिल्कुल सिंपल, उसमें दो चीज़ आती है, एक तो शाइनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और एक बहुत लाइट हो जाती है. तो उसमें कलर हम बताइएगा कि बहुत सारे ना कलर ऐसे हो जाते हैं जो कि आंखों को बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने कुछ ड्रेसिंग वाइट शर्ट पहनी होती है, अच्छा सूट पहना होता है, लेकिन टाई का जो कलर है वो बहुत शाइनिंग करके वो ऑफ हो जाता है. ये थोड़े से साइंस बताइए. पहले तो बस शाइन की कर लें, शाइन और मैट की बात कर लें. लेट मी टेल यू गाइस, शाइन इज चीप. आपके कपड़ों में शाइन नहीं होनी चाहिए, ना आपके सूट में शाइन होनी चाहिए, ना आपकी टाई में शाइन होनी चाहिए.
और ना इवन इवन फॉर लेडीज यू नो ग्लिटरिंग ये वो एम्ब्रॉयडरी ऑल दैट थोड़ी सी बात करेंगे वुमेन के ऊपर भी। तो पहली बात है कि आप मैट में रहें, ठीक है। दूसरी बात है आप नियॉन कलर्स में मत जाएं, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जैसे वो साइन नहीं लगा होता किसी का कंपनी का या बार वो बिल बोर्ड लगा हुआ है आप बिल्कुल येलो कलर हो जाता नहीं, है नहीं, दूसरा नहीं, लाइट सा ग्रीन हो जाता है वो बोर्ड नहीं नहीं बिल्कुल वो मैं आई डोंट फेवर दो स्टाइल। रहमान मलिक साहब पहनते होते थे पिंक कलर की, वो तो ये भी करते थे कि साथ में उसी कलर का पॉकेट स्क्वायर भी लगा देते हैं, बल्कि पॉकेट स्क्वायर इसको पॉकेट स्क्वायर कहते हैं इफ यू डोंट नो इट, कोई नाक पूछने वाला रुमाल नहीं है, आई मीन सम पीपल थिंक दैट अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बता दूं कि उन्होंने जो पहना होता था वो उसके साथ मैच, आप भी आज भी आप बेशुमार होते हैं जो मैच करते हैं, जब आप मैच करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप बहुत मैचिंग करके आए हैं, बिल्कुल तो बड़ा कंट्राइव सा लगता है, वो नेचुरल नहीं लगता। दूसरी बात हैवी लगता है, मतलब आपका फोकस जाता है सारा पॉकेट स्क्वायर के ऊपर। तो मेरा मैं तो कहता हूँ फोकस हो आपके चेहरे पे, फोकस हो, देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं तो कहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ लगी है, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा पेन लगाया हुआ है, यू नो अक्सर पॉकेट्स के या पॉकेट्स के बहुत लाउड लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे पहले आप सोचेंगे कि अच्छा यार ये पॉकेट्स अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि सर आपका माइंड है ना, आपकी अपनी चॉइस है, मैंने पहना हुआ है तो आप सोचेंगे अच्छा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा आप कहेंगे अच्छा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तीसरा आप सोचेंगे अच्छा मैं पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा। तो जब आप इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ आपने डिस्ट्रैक्टिंग नहीं पहननी, चाहे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग यहाँ पे पेन लगा लेते हैं, आई स्टिल आई नेवर कैन फिगर आउट कि पेन क्यों लगाया हुआ है। पेन में लोग पूछते हैं जी इसमें क्या कबाहत है, मैं कहता हूँ देखें आपने अगर पेन लगाया तो मैं सोचूंगा अच्छा यार पहली तो बात है पेन लगाने की वहाँ ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये चीज़ पेन के लिए नहीं बनी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं सोचूंगा अच्छा ये पेन जो है ये चीप पेन है ये एक्सपेंसिव पेन है। मेरी सारी फोकस जो आपकी बात पे होना चाहिए, नथिंग शुड डिस्ट्रैक्ट मी, वेदर यू आर वो मैन और वुमन, मेरा पूरा फोकस आप पे होना चाहिए, आपकी बात पे होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग। बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल सर, अभी हम पहले मर्दों का थोड़ा सा बात करते हैं, सूटिंग के बाद जो दूसरी चीज़ है वो शलवार कमीज पे आती है, जो प्रोफेशनल लुक में जो लोग पेंट शर्ट नहीं पहनते कोट नहीं पहनते, शलवार कमीज पहनते वक्त प्रोफेशनल लुक कैसी होनी चाहिए? देखें शलवार कमीज़ सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इसे कौमी लिबास समझा जाता है, वी आर प्राउड ऑफ दैट, लेकिन इसको कौमी लिबास जो है ना स्ट्रीट नहीं किया जाता। तो पहली बात ये है कि विच आई ऑलवेज से देश के सादगी के नाम पे बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है पाकिस्तान में, वो ये कहता है कि शलवार कमीज़ वाला बंदा मैनी ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग एवरी वन ऑफ यू, मैं इसी में सोऊंगा इसी में उठूँगा, सुबह जनाब मैं अपना थोड़ा स्ट्रेटन आउट करूंगा, उसके बाद मैं दो मुंह पे छटे मारूंगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इतर लगाऊंगा, उसके बाद जाके मीटिंग में बैठ जाऊंगा। और जब कोई मुझसे पूछेगा कि सर आप ऐसे, तो मैं कहूंगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ, ऐसे है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो इसको स्लीपिंग सूट बना दी गई अनफॉर्चुनेटली। तो आई वुड से कि अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो फिर आप प्रॉपर पहने, कायदे आज़म की तरह पहने, शलवार कमीज देखें किस तरह प्रेस हुई थी, किस तरीके से उसका कपड़ा था सारा। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि फिट, मैं ये कहूँगा अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं विच इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, तो आप इसकी फ़िट का उसी तरह ख्याल रखें जैसे कि सूट की फ़िट है। अच्छा अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे टेलरिंग इतनी वो एडवांस नहीं है, तो अगर आप थोड़ी सी टमी निकली हुई है तो आप टेलर के पास जाते हैं सिलवाने के लिए, तो टेलर कहता है, आप कहते हैं यार देखना है, यहाँ पर ना मुझे टाइट ना हो, तो वो क्या करता है, यहाँ तो ठीक है वो काफ़ी रूम प्रोड्यूस कर देता है, वो सारा आपका पूरा गारमेंट ही बहुत बड़ा कर देता है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको बिल्कुल बॉक्सियर लुक दे देता है। तो जिसमें मैं कहता हूँ नहीं यार, क्योंकि इसमें यू नो टेलर्स आर वेरी गुड पीपल, दे आर सर्विसिंग अस एंड सर्विसिंग देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग, लेकिन उनके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है, तो आपको भी कुछ नहीं पता। टेलर आपसे पूछता है अच्छा जी आप बताइए क्या करना है, तो आप भी कहते हैं यार देखना टाइट ना हो जाए, तो वो आपको एक पूरा टेंट सा बना देता है, एक बॉक्सियर लुक दे देता है। तो आपके इसका मतलब हुआ कि आपकी फिटिंग जो है ना दैट इज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो, तो आपने फिटिंग का ख्याल रखना है। एक और बात है जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने फैब्रिक का ख्याल रखना है, कौन सा फैब्रिक आपने लेना है। अच्छा प्रोफेशनल की बात हो रही है, आपने प्रोफेशनल यू नो की बात की है, थिन आपने कपड़ा नहीं लेना, सी थ्रू कपड़ा नहीं लेना। और मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन वेरी वेरी हाई पोजीशन कि उन्होंने थिन जो है ना शलवार कमीज पहनी है, थिन के अंदर उनकी बनियान नज़र आ रही है, उसके बाद उनकी छाती के बाल नज़र आ रहे हैं, वेरी हाईली अनप्रोफेशनल आप देखते हैं अक्सर। तो उसमें आप थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा थिक कपड़ा लें, थोड़ा सा गफ कपड़ा लें, और उसके बाद कपड़ा टाइप कौन सी होनी चाहिए, उसमें मैं ये कहूँगा टाइप जो है वो आप कॉटन की तरफ जाएं। वॉशिंग वेयर जो है ना ये पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है, इसलिए पॉपुलर है कि यू नो यू कैन ईजिली वॉश इट,
एंड वेयर इट वो वॉच एंड वेयर. लेकिन उसमें जो है ना, एक तो यह है कि उसमें जो है ये सनाटे नेचुरल फाइबर, बाय द वे कॉटन इज नेचुरल फाइबर. अल्लाह ताला ने जितनी नेचुरल चीज़ें बनाई हैं दे आर द बेस्ट फॉर अस. देन जो कॉटन है वो ब्रीद करती है. हमारे पाकिस्तान में बड़ा यू नो ऑल ईयर लॉन्ग इज अ वेरी ह्यूमिड वेदर एंड ऑल दैट. तो जब हम वॉशिंग वेयर पहनते हैं वो चिपचिपा सा हो जाता है, उसमें से पसीना वगैरह जो है ना आपको वहीं स्टे करता है, एयर ब्रीद नहीं करती है. तो आई वुड से कि आपके लिए बेस्ट जो है कॉटन है. अब लाजमी बात है कॉटन जो है थोड़ी सी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा. आखिरी बात जो है शलवार कमीज़ के बारे में कि आपने अगर शलवार कमीज़ एज सच पहनी है, शलवार कमीज़ को आपने ड्रेसअप नहीं किया, तो यू विल लुक जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन. मैं हमेशा कहता हूँ 10 बंदे बैठा दें, एक बंदा बस कंडक्टर है, एक बंदा बस ड्राइवर है, एक बंदा दुकानदार है, एक बंदा क्लर्क है, यू नो ऑल दैट. इसके बाद एक सी लेवल का बंदा बैठा दें, उसमें एक बहुत स्कॉलरली बंदा बैठा दें वेरी हाई पोजीशन में, तो ये नहीं पता चलता कौन कौन है. तो जैसे मैंने अपने 5 पीस में बताया था कि पोजीशन आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो अल्लाह ताला ने पोजीशन बनाई हैं तो हमें वो अपनी पोजीशन जो है वो शो करनी चाहिए. तो उसमें यह है कि आपने ड्रेसअप करना है, 2 तरीके हैं ड्रेसअप करने के शलवार कमीज़ को, या आप वेस्ट कोट के साथ ड्रेसअप करें या आप जैकेट के साथ ड्रेसअप कर लें. जैसे इस वक्त पाकिस्तान में आप काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी कलर कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपने लाउड कलर कॉम्बिनेशन किए हैं, आपने चेक जैकेट पहन लिया है, या आपने वो कहते हैं नियॉन कलर्स के आपने जो है पहने, तो आई डोंट थिंक यू कैन लुक प्रोफेशनल देयर. तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली जरदारी साहब ने जब ये इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे हम कहते हैं टोन ऑन टोन कलर, यानी ब्लैक के साथ ग्रे, ग्रे के साथ ब्लैक, और ब्लू ऑन ब्लू, जो कि आप आजकल इमरान खान साहब पहन रहे हैं, आई थिंक यू लुक ग्रेट कलर कॉम्बिनेशन जो आजकल. उसके बाद लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने फॉलो अप किया इसको, तो आई थिंक दे स्टार्ट लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी यू नो एक्साइटिंग कलर्स हैं जो कि वेल पुट टुगेदर हैं, लेकिन प्रोफेशनल कलर्स हैं. तो आई वुड क्या उसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे वाइट शर्ट है, वाइट शलवार कमीज हो, ऊपर डार्क कलर की वेस्टकोट हो, ब्लैक ब्लू जी, उस तरह का कंबिनेशन. अच्छा वो तो वाइट के साथ तो वो चल जाएगा, ठीक है. वाइट के ऊपर ऑब्वियसली आई वोंट वेयर वाइट कोट या समथिंग लाइक दैट. उसके ऊपर डार्कर के साथ यू नो आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, नेवी उसका बड़ा अच्छा लगता है. उसके बाद डार्क जिसे ब्लैक कहते हैं, ब्लैक और वाइट का उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं अब दूसरे कलर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आपने ग्रे पहने तो ग्रे के ऊपर कौन सी आप वाइट वेस्ट कोट पहनेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ ग्रे के ऊपर अगर आप ब्लैक में आ जाते हैं, जैसे चारकोल ग्रे है तो उसके ऊपर आप ब्लैक आ जाते हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड कलर. जस्ट याद रखिए जितने कलर क्लोजर होंगे ना उतनी सोफिस्टिकेशन ज़्यादा होगी. मतलब यू वांट टू लुक रिफाइंड पॉलिश सोफिस्टिकेटेड. आप वो नहीं लगने चाहिए कि यू नो लाइक यू नो यू ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट विद दिस. और बल्कि पूरे पेरिस में, न्यूयॉर्क में, यू नो मैं इंटरनेशनल गाय, मैं इसी में यू नो दिस इज़ व्हाट हैव बीन माय ट्रेनिंग फॉर सो मेनी इयर्स. तो जितना आप क्लोजर जाएंगे कलर्स के साथ उतनी आपकी सोफिस्टिकेशन ज़्यादा होगी. जबरदस्त सर. अब बात करें अगर हम ख्वातीन इंटरनेशनल लेवल पे तो एक स्टैंडर्ड ड्रेस है, मतलब स्कर्ट्स के साथ और शर्ट्स के साथ, जैकेट्स के साथ. तो पाकिस्तान में मशरकी जो हमारी रवायात हैं या हमारा ऑफिशियल ड्रेस है, तो उस सेंस में हमें नज़र आता है कोई ऐसा कोई खास, जहाँ तक मेरा महदूद इल्म है जिसको आप ज़्यादा बेहतर बताइएगा, कोई खास समय तक प्रोफेशनल ड्रेसिंग अभी तक ख्वातीन की ऐसा नज़र नहीं आती. तो उस हवाले से बताइएगा कि हमारी ख्वातीन जो है वो प्रोफेशनल लुक उनकी कैसी होनी चाहिए. देखें बहुत सारे इश्यूज हैं यू नो प्रोफेशनल वुमेन क्लोथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस तरह का कपड़ा होना चाहिए. यू नो मैं आप फिर उसके साथ साबित करके दूंगा आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ. आई मीन ऑल द प्रोफेशनल वुमेन, ऑल द वेरी सक्सेसफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, दे डू दैट. अच्छा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हर औरत जो है, हर लड़की जो है, इवन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ भी चले जाएँ आपको प्रिंट नज़र आता है पहनवा, प्रिंट 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 जहाँ भी जाते हैं. अच्छा अब प्रिंट जो है, आई मीन यू नो ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल, आई मीन यू नो एस्थेटिकली आई थिंक इट्स ग्रेट. लेकिन प्रिंट जो है ना, एक तो यह है कि वो जो मैंने आपको कलर का कॉन्सेप्ट दिया था कि कलर आपकी आई कलर है कलर स्किन टोन के साथ मैच करना चाहिए, तो इसमें तो बेहद सारे कलर चल रहे हैं. अच्छा तो वो आपको यू नो यू विल नेवर लुक दैट ग्रेट जैसे आप है. दूसरी बात इसमें प्रिंट में यह है कि प्रिंट जो है उसमें आप बड़े बिजी लगते हैं. आपने प्रिंट कमीज पहनी है, प्रिंट के ऊपर आपने दुपट्टा पहना है, उसके ऊपर प्रिंट हिजाब पहना हुआ है, तो ऐसे लगता है बंदा डेजी सा फील करता है. तो इसमें मेरा मानना ये, और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए जितनी इंटरनेशनल वुमेन है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की 2 वुमेन हैं उनका मैं नाम लूँगा, सॉलिड कलर्स प्लेन कलर्स में आ जाएँ. जो ही आप प्लेन कलर्स में आ जाते हैं तो पता है एक्चुअली यू नो ऑल ऑफ अ सडन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो शाइन करती है, क्लोथिंग जो है बैकग्राउंड में चली जाती है. बेनज़ीर भुट्टो आप उनकी सारी पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए, आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिकली स्पीकिंग राइट नाउ, मैं एस्थेटिकली बात कर रहा हूँ. उनकी सारी ड्रेसिंग जो है वो प्लेन कलर में, मे बी 1 or 2 शी हैड सम प्रिंट्स. अच्छा आई मीन वाज देयर अ मनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो.
आई मीन शी कुड हैव अफोर्डेड एनीथिंग दैट शी वांटेड. दूसरी जो लेडी मेरे ज़हन में आती है हिना रबानी है, बिल्कुल यू नो अगेन यू नो लेवल की, यू नो आई मीन लाइक हे यू नो शी मेड इट ऑल द वे अप देयर. पाकिस्तान को रेप्रेजेंट हमेशा उनको लाइट कलर्स में देखा गया, नहीं सॉलिड कलर, सॉलिड कलर्स, लाइट डार्क बाद की बात है, आपने सॉलिड कलर में, प्लेन कलर में. एक्चुअली देयर वाज वन डे आई वाज वाचिंग यू नो जस्ट गोइंग थ्रू सर्फिंग द यू नो द टीवी स्टेशंस, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा क्या मैंने वॉच करना, तो ऑल ऑफ सडन आई सॉ हर और मैंने उसको देखा तो यू नो आई मीन शी लुक्ड सो गुड उसमें. एंड देन यू नो आई मीन आई लिसन टू हर एंटायर इंटरव्यू क्योंकि आई द पैकेज वॉज रियली गुड. तो उसमें आपने सॉलिड कलर में आ जाए. बाय द वे दुनिया में आप जितनी सक्सेसफुल वुमेन ले लें, आप एंजेला मर्केल ले लें, आप हिलरी क्लिंटन ले लें, आप टॉप की जितनी वुमेन हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड देम सॉलिड कलर्स. तो पहली बात तो यह है कि आपने सॉलिड कलर में आ जाए. अच्छा अब आप ये कह सकती हैं कि हामिद साहब क्या आप हमें बोरिंग बना रहे हैं, तो क्या मैं बोरिंग लगूंगी? आई मीन सो आई विल आस्क यू कि आप क्या बेनज़ीर भुट्टो बोरिंग है, क्या हिना रबानी बोरिंग है, क्या ऑल दिस वीमेन दैट आई मेंशन इंटरनेशनल आर दे बोरिंग? नॉट एट ऑल. आप क्या कर सकती हैं, आप स्कार्फ के साथ, आप दुपट्टे के साथ, फिर आप ट्रिमिंग कर सकती हैं जिसे पाइपिंग कहते हैं पाकिस्तान में, पाइपिंग करके आप अगर बेनज़ीर भुट्टो को देखेंगे बड़ी फाइन किस्म की पाइपिंग की है. अच्छा और एग्जांपल कुछ देता हूँ, ये शाही कपल जब आया था यू नो द प्रिंसेस, आपने देखा होगा यू नो, अगर नहीं है तो आप गूगल अप करके पिक्चर देखें. आई मीन पहली बात तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यू नो शी यू नो रिस्पेक्टेड आवर कल्चर एंड एवरीथिंग, शलवार कमीज था, लेकिन आप देखें सारे कलर सॉलिड कलर में थे. तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा. दूसरी बात जो है मैं ये कहूँगा कि इसकी फिटिंग कैसे होनी चाहिए, इस पर आ जाते हैं. अच्छा ठीक है, इंटरनेशनली अगर आप थोड़ी सी फिट कर लेते हैं तो बिकॉज दैट्स ए कल्चर एंड दैट कुड फ्लाई, लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि जितनी इंटरनेशनल वुमन है जो कि मतलब दे आर इन पब्लिक रीना, दे विल नेवर वेयर टाइट क्लोथ, दे विल नेवर वेयर टाइट क्लोथ. तो मैं पाकिस्तानी मशरकी जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, मैं आई वुड से द सेम थिंग कि आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, ये दूसरी बात है उसमें. तीसरी बात है अपने नेक लाइन का ख्याल रखना. आई टेल यू समथिंग, अगर नेक लाइन लो है, let me tell you this, this is your, you can never ever ever go on the corporate ladder, you cannot climb up the corporate ladder, kyunki it's a big no no. aur aap international women bhi dekh lein, jitni Hillary Clinton ka agle din mein picture dikha raha tha kisi ko, neckline was up to here, Angela ki always here. to hamari jo women hain, sometimes you know I see this ke neckline is an issue. So please, agar aap professional woman hai to make sure that aap neckline mein observe karein ke waise bhi hamara sharmo haya hamara mulk kehta hai, hamari deen iman hamara mazhab kehta hai ki yaar aapne satr dhaapna hai. Chhi chauthi cheez, aapne koi cheez glitter nahi padni, koi cheez chamkeeli nahi pehni, jitna chamkeela kapda hai utna aap cheap lagenge. So why you wanna look cheap? I mean cheap in a sense ke wo jaise kehte hain ke wo shine is cheap. तो आपने क्या आना है, आपने मैट कलर्स में आना है, आपने मोर सोफिस्टिकेटेड कलर में आना है, आपने मोर रिफाइंड कलर्स में आना है. उसके बाद कर लेते हैं मेकअप की बात. मेकअप यू नो यस मेकअप होना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप करती हैं तो आप अगेन यू नो ऑल फोकस इन द मेकअप. तो आपने मॉडरेट मेकअप रखना है, अपनी स्किन टोन का ख्याल रखें, अपने आई कलर हेयर कलर जो आपको मैच करता है, ये ना हो कि स्किन टोन कहीं है, आई कलर कहीं है, आप मेकअप होकर कहीं जा रहा है, वो सारा मेकअप आपकी जो आपकी क्लोथिंग के कलर वगैरह हैं उनके साथ भी मैच करना चाहिए. इसके बाद आ जाते हैं हम ज्वेलरी पे, जिस पे ह्यूज मिस्टेक्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बिग वायलेशंस यू नो वेयर एवर आई गो दे आर सी इट. बहुत डैंगलिंग ज्वेलरी है, बहुत एथनिक ज्वेलरी है, बहुत लंबी लंबी ज्वेलरी है, लंबे लंबे टॉप्स हैं. देखिए उसको आप पार्टी वार्टी के लिए अगर आप यू नो जाएँ अपनी यू नो शादी वादी ये है वो है फंक्शन वगैरह हैं, यू कैन प्लीज योर हार्ट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. लेकिन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अगर आप बात कर रही हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं, आप कुछ ना कुछ तो सेल चीज़ कर रही हैं ना, या अपना कॉन्सेप्ट पेश कर रही हैं, तो अगर आपकी यहाँ तक ज्वेलरी है, आई मीन यू नो थिंक अबाउट दिस कि आप जो लोग देख रहे हैं हो सकता है उनको पसंद ना आए, तो फिर क्यों आप, वाई यू आर ओपनिंग योर सेल्फ फॉर दैट? तो उसमें टॉप्स हैं बिल्कुल जो है मैं कहूँगा मिनिमल ज्वेलरी, दैट्स द वर्ड आई यूज़, मिनिमल ज्वेलरी. टॉप्स जो बिल्कुल यहाँ कान के साथ लगते हैं, पर्ल टॉप्स जो है दे गॉर्जियस. इस तरह आपकी चेन है जितनी स्लीक हो उतनी अच्छी है, ब्रेसलेट जितना स्लीक हो आई थिंक यू विल लुक ग्रेट. तो इसका आपने ख्याल रखना है. अब आगे शूज़ की तरफ कंप्लीट कर दें, फिर फर्रा पैकेज कंप्लीट कर देते हैं, मेन और वुमेन दोनों के लिए. जी जी, ये अब वुमेन की बात हो रही है, उसके बाद मैन की, मैन की बात कर लेते हैं. तो शूज़ में ये है कि देखें हाई हील्स मत पहने, यू नो आई मीन आई टेल यू समथिंग, ठीक है यू नो इट माइट लुक गुड, लेकिन दो उसमें प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम तो ये है कि एस्थेटिकली यू नो अटेंशन कहीं और चली जाती है, ठीक है. दूसरी बात यह है कि इट्स वेरी हार्ड टू वर्क ऑल डे लॉन्ग इन हाई हील्स,
तो आपको चलना मुश्किल है, यू नो यू हैव बैक पेन इन कपल ऑफ डेज इन व्हाटएवर, तो उसमें यह पंप्स मिलते हैं, उसकी हील ज़रा छोटी होती है, यू नो इफ यू नाइस लेग इन ऑल दैट, कि आपकी मतलब फिजिक वगैरह और आपकी यू नो यू लुक नाइस, तो आप फ्लैट भी ना करें। दूसरी बात है जो टोस सैंडल टाइप की जिसमें टोस नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल ना पहने प्रोफेशनली। आई मीन व्हाई शुड आई बी लुकिंग एट टोस ऑफ अ वुमन, आई मीन फिर मैं सोचूंगा अच्छा मैनीक्योर हुआ है नहीं, पेडीक्योर हुआ है कि नहीं है, ऑल दैट यू नो आई मीन देखना वो इशू चाहते हैं शायद, नहीं वो एक्सपोज कर रहे हैं, टेल यू समथिंग, वो बंदा देखें देयर इज लेट मी टेल यू दिस, सो मच प्रेशर ऑन वुमेन टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कल मैं पढ़ के हैरान हो रहा था कि एंजेला जो मार्केल है, जब वो बनी अपना जर्मनी की जो है वो पीएम, तो उस वक्त एवरी ऑल द मेल पार्ट्स जितने भी थे यूरोप में, जितने प्रेजिडेंट थे, उन्होंने उसे कहा कि यू नो दिस वुमेन इज नॉट गोना सर्वाइव, दिस इज अ मैंस वर्ल्ड। बल्कि यहाँ तक मैंने पढ़ा एंड आई वॉज लाइक डम्बफाउंडेड कि जब प्यूटन की उसका मीटिंग हुई तो प्यूटन को पता था कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो अपनी मीटिंग में डॉग को लेके आया, कैन यू इमेजिन अबाउट दैट, यू नो मतलब एक तो इंटिमिडेट करने के लिए। और वो ट्रंप जो है, आई एम ग्लैड इट्स गॉन, तो उसने उसे मुंह पे कह दिया कि यू आर स्टूपिड वुमन। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी अरीना जो है ना वो इट्स सेट ऑन द साइड ऑफ अ मैन, तो उसमें आपने ऑपरेट करना है। और यू नो मुझे बड़ा यू नो आई एम वेरी सिंपथेटिक, बल्कि एम्पथेटिक हूँ, बिकॉज आई हैव माय सिस्टर, थ्री सिस्टर्स, दे आर प्रोफेशनल वुमेन एंड आई नो कि प्रेशर कितना है बाहर। तो हमारी जो लड़कियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, हमारी यू नो माएँ हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड। अच्छा अब होता यह है कि इतनी एजुकेशन ली है, इतनी सोबर हैं, इतनी इंटेलिजेंट, एंड मैनी टाइम बिलीव इन आर दे ब्लो अस अवे मैन इन देयर इंटेलेक्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन जब वो कॉर्पोरेट फील्ड में जाती हैं तो उनको सीरियस नहीं लिया जाता, उनको दे डोंट पे मच अटेंशन टू देम बिकॉज ए मैन वर्ल्ड। तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए तो इवन मोर डिफिकल्ट है, तो आपको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि आपके इट शुड वर्क अगेंस्ट यू। एड जी जी, बहुत सी हमने प्रोफेशनल खवातीन को देखा है जो कि हाफ स्लीव और स्लीवलेस शर्ट्स में होती हैं, तो वो टोटली टेरिबल। आई टेल यू समथिंग, आई मीन आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी यू नो क्लाइंबिंग अप द कॉर्पोरेट लैडर। देखें आपने डिसाइड करना है, आपने फैशन को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, या आपने अपनी पर्सनैलिटी इन नेगेटिव वे आपने लेके आनी, या आपने अपने करियर को जो है ना वो आगे लेके जाना है। तो मैं कहता हूँ हमेशा कंफर्ट एंड करियर एंड यू नो योर अपनी पर्सनल चॉइस एंड करियर। कई लोग कहते हैं मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं कहता हूँ यह बात सुने, आपने इतनी उम्र आपकी जो मेजर लाइफ है वो कहाँ गुजरी है? सर एजुकेशन ली है आपने, एमए किया, फिर एमफिल किया, फिर आपने पीएचडी किया, आप वुमेन की बात कर ले, मैन की, दोनों की बात करता हूँ। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यार आई एम गोना डू व्हाट द हेक आई एम गोना डू, आप ऑलरेडी लिमिटेड हैं, आपने उनको कन्फाइंड कर लिया क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले गए हैं। तो फिर पता है इवन दो कि जैसे कहते हैं ड्रेस कोड अगर नहीं भी है तो ड्रेस कोड है, आप देखें यू नो योर आइज आर ओपन। और याद रखें मोर इम्पॉर्टेंटली लोगों की आइज ओपन है, आई मीन दे आर नॉट ब्लाइंड एंड यू आर नॉट इनविजिबल। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ देखें, व्हाई शुड आई डू समथिंग विच विल रेज सम काइंड ऑफ यू नो फ्लैग्स, मुझे बताइए कि लॉजिकली क्या मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, क्योंकि मैं ये कोई अपना रनवे तो नहीं है ना कि मैंने जाके फैशन स्टेटमेंट देनी है। तो द मोर कंसर्वेटिव आई लुक, द मोर प्रोफेशनल आई लुक, एंड देन यू नो आई विल शाइन, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर फोकस इज ऑन माय प्रेजेंटेशन एंड नॉट ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मेन की जो हम बात कर रहे थे, शूज की आप बात करने लगे थे, तो हमारे पास टाइम की कमी है, वरना आपसे बातें करते हुए मेरा दिल चाह रहा था कि और बातें हों, लेकिन शूज के बारे में बताइएगा फिर हम प्रोग्राम की एंडिंग कर जाएंगे। देखें शूज़ जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं मेन के लिए, और सबसे पहले सूट के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन कि आपने आउटफिट कौन सी पहनी है। जो सूट है, आज मैं पीटीवी पे वर्ल्ड पे भी बात कर रहा था, सूट जो है एक सीरियस गारमेंट है, सीरियस आउटफिट है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीस सूट विद टाई एंड शर्ट एंड ऑल दैट, उसके साथ सीरियस सूट की ज़रूरत है, अभी इन शूज़ की ज़रूरत है। अच्छा सीरियस शूज़ कौन से हैं? सीरियस शूज़ हैं तस्वीर वाले, यू नो लेसेस वाले। अच्छा उसके भी अंदर आपको एक शेप है जिसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड शूज़, आप गूगल अप करके देख सकते हैं, वो ना ज़्यादा पॉइंटी है ना ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है, एक टिपिकल शू है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड शूज़, वो शू होना चाहिए। और उसमें आप ब्लैक ले सकते हैं, और साथ में अगर आप ब्राउन है तो ब्राउन भी ले सकते हैं, दो शूज़ आपके जो है ना वो आई थिंक दे आर वेरी गुड फॉर योर वार्डरोब। ब्लैक शूज़ के साथ आपने जो है वो ब्लैक बेल्ट की भी बात कर लें, क्योंकि दे गो हैंड इन हैंड टुगेदर, तो बेल्ट भी आपने लेनी है, कैजुअल बेल्ट नहीं लेनी, ड्रेस आई मीन सूट की बात कर रहे हैं, आपने ड्रेस बेल्ट लेनी है। ड्रेस बेल्ट जो होती है इसका बकल छोटा होता है,
और उसकी जो बेल्ट होती है वो ज़रा पतली होती है, अबाउट 1.5 इंच 1.5 इंच की बेल्ट होती है, वो आपने लेनी है। और उसके साथ अपने कलर मैच करने हैं, आपने ब्लैक बेल्ट के साथ ब्लैक शूज़, ब्लैक शूज़ के साथ ब्लैक बेल्ट, और ब्राउन शूज़ के साथ आपने ब्राउन बेल्ट पहननी है आपने। और ख़ास तौर पर याद रखें, बेल्ट के ऊपर कोई लोगो नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बल्कि वो जो जाली लोगो होता है फेक, यू नो, गुची मुची, उसे प्लीज़ अवॉइड दैट। वो बंदे को पता है कि यार ये फेक है, यू नो। क्लोथिंग में, ड्रेसिंग में देखें, आपको ऑथेंटिक लगना चाहिए, आपको रियल लगना चाहिए। कोई बंदा फ़ोनी बंदे से ना बात करेगा, ना उसे डील करेगा, ना उसको हायर करेगा। अच्छा, उसके बाद आखिरी बात है, सॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यू नो, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अंडरवियर हम आप पे छोड़ते हैं, यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, लेकिन जो है वो सॉक्स है। अच्छा, सॉक्स का जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि सॉक्स जो हैं वो आइदर शूज़ के साथ मैच करें, यानी अगर ब्लैक है तो ब्लैक हो जाएँ, या फिर पेंट का जो कलर है उससे थोड़ा सा टैड डार्कर कर लें, ठीक है, एंड आई थिंक दैट विल गिव यू नाइस। और आखिरी टिप सॉक्स के बारे में ये है कि याद रखें, जब आप बैठते हैं तो पेंट राइड करती है, उसकी जो नीचे से हेम है, तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी राइड करेगी तो आपकी स्किन नजर ना जाए लेग में, तो सॉक्स की बात कर रहे हैं, तो सॉक्स थोड़ी सी लंबी लें, आई मीन यू नो, दे आर अवेलेबल इन ऑल साइजेस। और ख़ास तौर पर जब आप क्रॉस करते हैं लेग और राइड करती है, तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल नहीं नज़र आनी चाहिए लेग की, बल्कि स्किन का रूल ये है कि सिर्फ दो जगहों पर स्किन नज़र आनी चाहिए, आपके फेस पे और आपके हैंड पे, और कहीं भी स्किन नज़र नहीं आनी चाहिए। एंड आई थिंक इफ यू फॉलो दीज रूल्स, आई थिंक यू नो, आई थिंक दिस इज यू विल बी ऑलवेज ड्रेस्ड। परफ्यूम की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में परफ्यूम जो है ना वो अक्सर पहना जाता है, तो परफ्यूम में यह है कि मैं कहता हूँ कि परफ्यूम ज़रूर लगाएं, लेकिन नहाएं ना उसमें। ये नहीं कि आप इतना परफ्यूम लगा दें और उसके बाद, यू नो, आई मीन यू किल अदर पीपल, नॉक पीपल डाउन। परफ्यूम पाकिस्तान में 60-70-80% में भी इन लोगों को परफ्यूम नहीं लगाना आता। वो क्या करते हैं कि परफ्यूम की बोतल पकड़ते हैं ऐसे करके, तो अपने ऊपर सारे कपड़ों पर लगा लेते हैं। दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। आपने क्या करना है, परफ्यूम की बॉटल लेनी है, आपने अपनी रिस्ट लेनी है, रिस्ट के ऊपर आपने दो ऐसे स्प्रेस करने हैं, उसके बाद आपने अंडर दिस आपकी जो चिन है उसके ऊपर लगा लेना है, यू नो, ये डन। अगर आपका लॉन्ग डे है, यू नो, आई वुड रिकमेंड कि ग्रूमिंग किट होनी चाहिए, मैन वुमेन बोथ, ताकि आप फ्रेश अप हो सके। हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, आई मीन इट्स ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आप डिओड्रेंट लगाएं, आप यू नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपकी ओरल हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात करता है तो यूजली मुंह ड्राई हो जाता है, अगर आप दो तीन घंटे की प्रेजेंटेशन देते हैं तो, यू नो, आई मीन इट्स नेचुरल थिंग, तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती। तो उसमें यह है कि आप मिंट रखें, आप माउथ वॉश रखें, आप जाएँ अपने आप को फ्रेश अप करके, देन यू कम बैक एंड यू नो डू अनदर मीटिंग। ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली फॉलो की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इसके बारे में या तो लोग बात नहीं करते, इसे टैबू समझा जाता है, इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा सोफिस्टिकेटेड समझ लेते हैं आप लोग आपको, कि जी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है जो इतनी इतनी बातों का ख्याल रखते हैं लोग, बाकी नॉर्मल लोग हो जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, देखें, बात सुने, वो जो बंदा जो मर्जी सोचे, देखें, अगर एक बंदा जो है उसका अगर जो है ना ऑर्डर आ रही है, उसके जिस्म से आ रही है, उसके कपड़ों से आ रही है, यू नो, आई मीन हाउ कुड समबडी से कि यार ये तो चलेगा साथ में, यू नो। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रोफेशनली स्पीकिंग ना, आपको हाइजीन का डेफिनेटली ख्याल रखना है आपको। उसके बाद तो बेशुमार और चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिकली जो हैं वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और अगर आप इजाज़त दें तो एक दो फाइनल मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहूँगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कहते हैं यार पैसे नहीं हैं, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, वो कहता है यार मैं ड्रेसिंग नहीं कर सकता, मेरे को पैसे नहीं है। तो मैं आपको रूल बताता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पैसों के बगैर या कम पैसों से आपने कैसे अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हैं। याद रखें, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कैप्सूल वार्डरोब का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये है कि पहली चीज़ जो है कि आपने कम चीज़ें खरीदी। जब मैंने वो आपको बता दिया फाइव पीस आप जब करेंगे, इसका मतलब कोई टाई आपने नहीं खरीदनी जो आप फाइव पीस पे पूरी यूज़ दी, कोई शर्ट नहीं खरीदी, तो ऑटोमेटिकली नैरो डाउन हो जानी है। तो आपने कम चीज़ें खरीदनी है, कम आर्टिकल खरीदने हैं। दूसरी चीज़, आपने राइट आर्टिकल्स खरीदने हैं, यानी यह नहीं कि आपके क्लॉजेट में यू नो 100 शर्ट्स हैं या 50 शर्ट्स हैं, जहाँ पे आपका माइंड बना वही ले ली, या अच्छी लगी या कलर अच्छा लगा या सेल पे लगी थी आपने ले ली। नहीं, आपने वो सारी चीज़ देखी जो फाइव पे ऊपर उतरती हैं, तो वो आपने राइट जो है ना आर्टिकल जो है वार्डरोब का ख़रीदना है। और तीसरी चीज़, आपने क्वालिटी खरीदनी है। याद रखें, अगर आप जो है वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो अगर आप एक शर्ट लेते हैं, जैसे फिर चीप शर्ट लेते हैं, आप 500 रुपये की शर्ट लेते हैं, 800 रुपये की, इवन 1000 रुपये की शर्ट लेते हैं, तो क्या है, दो तीन बार धुलती है, उसके बाद वो सारे कॉलर उसके बैठ जाते हैं, बकल आ जाते हैं, बबल आ जाते हैं। प्रोफेशन इज शॉर्ट,
तो अगर आपने 10 शर्ट्स ली हैं वो 7000 रुपए की, अगर आप वो 5 शर्ट्स ले लेती हैं 2000 रुपए की, बनवा लेते हैं, स्टिच करवा लेते हैं, बिलीव इन दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो कैप्सूल वार्डरोब का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी सारी चीज़ें अगर आपके राइट कलर्स हैं, राइट आपकी फिट है, राइट आपकी पोजीशन और पर्सनैलिटी और अपने प्रोफेशन के मुताबिक हैं, तो सारे अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझते हैं, मैथ में एक उसूल है, यानी एक शर्ट आपकी 10 आउटफिट के साथ चली जाएगी, आपकी पैंट्स के साथ चली जाएगी, यू नो ऑल दैट, सो यू कैन मेक मेक इट वर्क। तो पहला मैसेज तो ये है। दूसरा मैसेज ये है, वो ये है कि देखें, अब मैंने आपको सब कुछ बताया, 5 पीस बताए, सारी अपनी बताई, तो अब आप जाएंगे कहाँ पे, वेयर यू कैन गो। तो 3-4 आपकी जगह हैं जहाँ पे जा सकते हैं। पहले तो आप ये सारी ही कहें जी हमें सामने कहा पर्सनलाइज कस्टमाइज दिस दैट, एंड आप किसी फैशन डिज़ाइनर के पास चले जाएँ। अब फैशन डिज़ाइनर जो है उनका, यू नो, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, पाकिस्तान में फैशन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन उनका फोकस प्रोफेशनल मैन नहीं है, उनका फोकस है, यू नो, मेकिंग कलेक्शंस एंड यू नो ऑब्वियसली दे मेकिंग टन ऑफ मनी विद दैट, तो उनका फोकस है सारा ओकेजन पे और यू नो स्पेशली वेरी लाउड किस्म की क्लोथिंग पे। तो प्लस दे विल चार्ज यू अ टन ऑफ मनी, या 25,000 दे दे, 50,000 दे दे कंसल्टेशन का, सो दैट्स नॉट ए गुड राउट। दूसरा, आप ब्रांड के पास जा सकते हैं, ब्रांड इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, यू नो आई मीन दे आर गिविंग कन्वीनियंस एंड ऑल दिस, लेकिन ब्रांड का जो सेल्समैन है, आई हैव इशू विद दैट, सेल्समैन की ट्रेनिंग नहीं है, ना उसकी ओरिएंटेशन है, मैटर उसने तो कहना सर ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, चीज़ भी आ सकेंगे बने ही आपके लिए, ऐसे ही है ना। तो सर आज तक कभी अभी, यू नो, इफ यू आर वेयरिंग फ्रॉम ब्रांड्स एंड ऑल दिस, आज तक बताइए किसी ब्रांड मैनेजर या ब्रांड सेल्समैन ने आपसे पूछा हो कि आप करते क्या हैं इससे पहले कब आपको सजेस्ट करें कपड़े, इट्स नेवर हैपन। तो फिर उसमें भी बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो जो आदमी करता है। फिर तीसरी, आप टेलर के पास चले जाते हैं, टेलर जो है ना, जैसे मैंने पहले बात की, एस्थेटिक सेंस उसमें नहीं है बेचारे के अंदर, तो वो तो आपसे पूछता है बताइए क्या करना है, मैंने स्लीव की लेंथ कितनी करनी है, स्लीव मैंने चौड़ी कितनी करनी है, मैंने उसकी हेम कितनी करनी है, मैंने जैकेट की लेंथ कितनी करनी है। अच्छा, आपको भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, तो ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड। तो इसके अलावा अब जो जैसे फाइनल अनदर जिसे कहते हैं कि कंसल्टेंट है मेरी तरह के, जो इमेज कंसल्टेंट है, पूरी दुनिया में बाय द वे हैं, अगर आप बाहर जाएं तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे, पाकिस्तान में सो फार अहमदी, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट एंड ओनली इमेज कंसल्टेंट पाकिस्तान, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो बाई ऑल मीन्स, यू नो, विल पुट आउट द नंबर देयर 0322333334, आई रिपीट इट 0322333334, और आप इसमें लिख के भी दे सकते हैं अपनी जगह यूट्यूब पे भी, यू कैन रीच मी एंड आई कैन रियली हेल्प यू। अच्छा, आखिरी मैसेज आपके लिए वो ये है कि देखें, जब सुबह आप तैयार हों तो ये सोचें कि आज मैंने किसको मिलना है, और जब आप ये पता चल जाए किसको मिलना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो क्या इमेज आपसे परसीव करना चाहते हैं, क्या, और आप पहने जो भी कपड़े पहने हैं, आप उसके बाद देखें अपने आप को कि क्या वो इमेज जो वो आपको परसेप्शन में मिलना देना चाहिए, क्या आप वो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप सक्सेसफुल लगते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, क्या आप एजुकेटेड लगते हैं, क्या आप ट्रस्टवर्दी लगते हैं, आप क्रेडिबल लगते हैं, ऑल दैट लिस्ट जो मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई जस्ट प्रेजेंटेड फ्यू मिनट्स अगो, तो आप देखें, अगर वो आप नहीं लगते हैं तो आई टेल यू समथिंग, गो बैक इन टू योर क्लोज़ेट, चेंज योर क्लोथ्स अगेन। और इसमें याद रखें, आपने सिर्फ एक दिन अच्छा नहीं लगना, आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, यू मस्ट लुक गुड एवरी डे। याद रखें, लोग रोज़ आपको देखते हैं, अगर यू नो आई मीन पीपल आर इनविजिबल एंड यू नो पीपल आर ब्लाइंड एंड यू नॉट इनविजिबल, तो ख़ास तौर पर ख्याल रखें, जब आप डेली करना शुरू करेंगे, बिलीव इन आर यू विल लुक गुड। ऐसा ना हो कि एक दिन आप बहुत अच्छे लगें, दूसरे दिन आप समवर्ड अच्छे लगें, और तीसरे दिन बंदा कहता है ये वही बंदा है, तो आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। इफ़ यू विल डू दैट, लेट मी टेल यू दिस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी करियर लाइफ, बोथ विल रॉक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।